गाइस, स्नेक गेम के इस प्रोजेक्ट में पिछले वीडियो में हमने अपनी गेम के लिए विंडो सेटअप किया था और स्नेक के लिए बॉर्डर कोलिजन के बारे में डिस्कस किया था। उसी के साथ साथ हमने स्कोर को भी विंडो पर डिस्प्ले किया था और हाई स्कोर सेट करना भी सीखा था। तो यदि मैं पिछले वीडियो के कोड को रन करूँ तो हमारा गेम कुछ इस तरह का दिख रहा था, पर इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही स्नेक फूड को खा रहा है तो इसकी लेंथ बड़ी होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो रही है। तो आज के वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम को टैकल करेंगे और इसके लिए लॉजिक लिखेंगे। तो चलिए, अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें एंड देन गेट रेडी टू राइट द कोड। गाइज, हमेशा की तरह आज भी मैंने अपना पाइथन खोल लिया है और यहाँ राइट क्लिक करके मैं एक नई पाइथन फाइल बनाऊंगा, फाइल 4.py के नाम से। और इसके बाद मैं अपने पिछले वीडियो वाले कोड, मतलब कि फाइल 3.py के कोड को यहाँ से कॉपी करूँगा और इसे फाइल 4.py में ले आकर यहाँ पेस्ट कर दूँगा। और इसके बाद मैं इसे थोड़ा जूम कर लूँगा कि आपको कोड क्लियरली दिखाई दे। और ये लाइंस काफ़ी बड़े हो गए हैं, इसलिए मैं यहाँ राइट क्लिक करके सॉफ्ट रैप ऑन कर लूँगा ताकि मेरा नीचे से ये स्लाइड बार चला जाए। तो अब इसके बाद हमारा आज का मुद्दा ये है कि हम स्नेक की लेंथ को कैसे इंक्रीज़ कराएं। तो इसके लिए आप ध्यान से देखिए मैं क्या करता हूँ। मैं इसके लिए यहाँ पर एक स्नेक लिस्ट नाम की लिस्ट डिफाइन करूँगा, स्नेक लिस्ट इक्वल्स टू ये ब्रैकेट। और इसके बाद मैं अपने मेन गेम लूप में आऊँगा और यहाँ पर इसके नीचे, जहाँ कि मैंने लिखा था कि हेड और फूड के बीच में डिस्टेंस 20 पिक्सल से कम हो तो फूड को दूसरी जगह शिफ्ट करना है, उसी टाइम मुझे स्नेक की लेंथ को भी इंक्रीज़ करानी है। इसलिए मैं यहाँ स्नेक के लिए बॉडी को डिफाइन करूँगा। तो उसके लिए मैं एक बॉडी नाम का टर्टल ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, बॉडी इक्वल्स टू टर्टल डॉट टर्टल। और इसके बाद मैं बॉडी को एक शेप दूंगा, बॉडी डॉट शेप स्क्वायर। और इसी के साथ साथ मैं बॉडी को एक कलर दूंगा, बॉडी डॉट कलर वाइट। अब इसके बाद मैं लिखूंगा बॉडी डॉट पेन अप। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बॉडी जब मूव करे तो वो लाइन ड्रॉ ना करे। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैंने जो ऊपर स्नेक लिस्ट नाम की लिस्ट डिफाइन की थी उसमें मैं इस बॉडी नाम के टर्टल को अपेंड कर दूंगा, मतलब कि उसमें मैं ऐड कर दूंगा। मतलब कि शुरू में स्नेक लिस्ट नाम की लिस्ट जो मैंने एम्प्टी लिस्ट बनाई थी उसमें मैं इस टर्टल ऑब्जेक्ट को रख दूंगा और ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया बॉडी नाम का, यही स्नेक की लेंथ को इनक्रीज़ कराएगा। अब इतना करने से ज़्यादा कुछ होगा नहीं, मैं इसे रन करूँगा तो जब जब स्नेक फूड को खाएगा तब तब ये एरर आ गया। तो ये एरर है स्नेक लिस्ट डॉट अपेंड, मतलब कि इसमें मुझे एक वैल्यू पास करनी थी जो कि मैंने नहीं की है, एंड ऑब्वियसली मुझे यहाँ बॉडी को पास करना था और मैं भूल गया था। तो अब इसके बाद मैं इसे रन करूँ तो आप देखेंगे कि स्नेक जब जब फूड को खाएगा तब तब एक नई ब्लॉक बन जाएगी ओरिजिन पर। और यहाँ जब जब स्नेक फूड को खा रहा है तब तब एक नई ब्लॉक बन रही है, पर आपको एक ही ब्लॉक दिख रही है क्योंकि अगली ब्लॉक उसके ऊपर ओवरलैप हो जा रही है। यदि आपको ये नहीं समझ में आया तो मैं उस ब्लॉक को मूव करने के लिए यहाँ लिखता हूँ बॉडी डॉट गो टू 100,100। तो अब यदि मैं इसे रन करूँ तो आप देखेंगे कि जब जब स्नेक फूड को खाएगा तो एक नई ब्लॉक बनेगी और वो 100,100 पर चली जाएगी। और जैसे यहाँ मैंने एक ब्लॉक को खाया तो ओरिजिन पर ये जनरेट हुआ और 100,100 पर चला गया, मतलब कि यही क्राइटेरिया होती रहेगी। पर हमें ये चीज़ नहीं चाहिए थी, हमें चाहिए थी कि जब स्नेक फूड को खाए तो उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो, मतलब कि ये दूसरा ब्लॉक जो बन रहा है वो स्नेक के पीछे पीछे मूव करे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक लॉजिक लिखूँगा और मैं लॉजिक ये लिखूँगा कि जो नया सेगमेंट बन रहा है उसको स्नेक की हेड पर भेज दो। मतलब कि स्नेक लिस्ट में मैंने बॉडी नाम के टर्टल ऑब्जेक्ट को जो अपेंड किया था, तो जब जब बॉडी नाम की टर्टल ऑब्जेक्ट स्नेक लिस्ट में अपेंड हो तब तब उस बॉडी नाम की टर्टल ऑब्जेक्ट को स्नेक की हेड के पास भेज दो। तो उसके लिए मैं लिखूंगा इफ लेंथ ऑफ स्नेक लिस्ट ग्रेटर देन 0। तो इस केस में क्या करना है, स्नेक लिस्ट के एलिमेंट को हेड पर भेज देना है। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ एक्स इक्वल्स टू हेड डॉट एक्स कोऑर्डिनेट और इसी तरह वाई इक्वल्स टू हेड डॉट वाई कोऑर्डिनेट। और इसके बाद मैं लिखूंगा स्नेक लिस्ट, और स्नेक लिस्ट में जो सबसे पहला ऑब्जेक्ट है, मतलब कि 0, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, डॉट गो टू एक्स कॉमा वाई, मतलब कि स्नेक लिस्ट की जो पहली एलिमेंट है उसको हेड की एक्स और हेड की वाई कोऑर्डिनेट पर भेज देना है। पर अब इतना करने से भी काम नहीं चलेगा क्योंकि इसमें तो हमने बस ये डिफाइन किया कि स्नेक की बॉडी को हेड के पास भेज देना है।
तो इससे क्या होगा कि स्नेक की बॉडी हेड के पास जाकर रुक जाएगी और हेड अपना मूव करते रहेगा, पर हमें चाहिए कि स्नेक की बॉडी भी उसके हेड के साथ साथ मूव करती रहे। तो उसके लिए मैं एक और लॉजिक लिखूंगा। मैं यहाँ लिखूंगा फॉर आई इन रेंज, मैं यहाँ लेंथ फंक्शन का यूज़ करूँगा स्नैक लिस्ट की लेंथ को यूज़ करने के लिए। तो इसमें मैं लिखूँगा स्नैक लिस्ट -1। मैंने यहाँ -1 क्यों लिखा, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और स्नैक लिस्ट में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उतनी बार इस लूप को चलाना है, तो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज ना हो जाए इसलिए मैंने यहाँ -1 लिखा। इसके बाद मैं लिखूँगा (0, -1)। तो यदि आपको पाइथन थोड़ी सी भी आती हो तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ 0 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि स्नैक लिस्ट में से सारे एलिमेंट्स को बिना किसी गैपिंग के, मतलब कि सारे ही एलिमेंट्स को उठा लेना है, और -1 मतलब कि उसे रिवर्स ऑर्डर में प्लेस कर देना है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा x=snakeList और इसकी मैं इंडेक्सिंग करूँगा (i-1) और उसके बाद .x-कोऑर्डिनेट। और इसके बाद मैं इस लाइन को डुप्लीकेट करूँगा वाई कोऑर्डिनेट के लिए, मैं यहाँ एक्स की जगह वाई कर दूंगा और यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट की जगह वाई कोऑर्डिनेट। और इसके बाद मैं लिखूँगा स्नैक लिस्ट इंडेक्स आई डॉट गो टू x, y। तो बेसिकली इस पूरे लॉजिक का मतलब ये है कि मैंने यहाँ एक लूप चलाई है जो कि स्नैक लिस्ट की लेंथ जितनी है उतनी टाइम्स तक चलेगी, और ये स्नैक लिस्ट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में हेड के पीछे एक के बाद एक लगाते रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें ऐसा अपीयर होगा कि स्नैक की लेंथ इंक्रीज हो चुकी है और वो मूव कर रहा है। तो अब यदि मैं इसे रन करूं तो आप देखेंगे कि जैसे ही स्नैक फूड को खाएगा तो एक नई ऑब्जेक्ट आके स्नैक की हेड से जुड़ जाएगी। ये पहली बार मैंने दिखाई दिया, पर जब दूसरी बार स्नैक फूड को खाएगा तो आप देखेंगे कि एक और ऑब्जेक्ट आके स्नैक से जुड़ जाएगी और इससे स्नैक की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। और जब जब स्नैक फूड को खाएगा तब तब एक नई ऑब्जेक्ट आके स्नैक से अटैच हो जाएगी और उसकी लेंथ और इंक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ ये हो रहा है कि जब जब स्नैक फूड को खा रहा है तब तब एक नई ऑब्जेक्ट बन रही है और वो स्नैक की हेड के पास जाके अटैच हो जा रही है, और इस अटैचमेंट से ऐसा अपीयर हो रहा है कि स्नैक की लेंथ इंक्रीज हो चुकी है। पर इसमें अभी एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि जब स्नैक बाउंड्री से टकराएगा, मतलब कि जब गेम ओवर हो जाएगा, तो भी स्नैक की लेंथ उतनी ही रहेगी, मतलब कि अगली बार जब हम गेम खेलेंगे तो स्नैक की लेंथ जितनी थी उतने से ही स्टार्ट होगी। और जैसा कि आपने देखा कि जब स्नैक बाउंड्री से टकराया तो सारे ही सेगमेंट्स एक एक करके ओरिजिन पर वापस चले गए। तो इससे ये होगा कि सारे ही सेगमेंट्स जब 0,0 पर चले गए हैं तो जब स्नैक मूव करना स्टार्ट करेगा तो वो उनके पीछे वापस से मूव करने लगेंगे, जिससे कि स्नैक की लेंथ उतनी ही रह जाएगी। पर हम क्या चाहते हैं कि जब नया गेम स्टार्ट हो तब स्नैक की लेंथ वापस से 1 हो जाए, मतलब कि बस हेड ही दिखाई दे। तो उसके लिए हमें एक अलग लॉजिक लिखना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ आऊँगा जहाँ मैंने बाउंड्री कोलिजन्स के बारे में डिस्कस किया था, और यहाँ मैं एक छोटा सा कोड लिखूँगा फॉर आइटम इन स्नैक लिस्ट item.goTo 500,500। और इसके बाद मैं लिखूँगा स्नैक लिस्ट डॉट क्लियर, मतलब कि बेसिकली मैंने यहाँ ये लिखा है कि जैसे ही बॉर्डर कोलिजन हो तो स्नैक लिस्ट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको 500,500 मतलब कि गेम विंडो के बाहर भेज देना है, और बाहर भेज कर स्नैक लिस्ट को क्लियर कर देना है, मतलब कि स्नैक लिस्ट वापस से एम्प्टी हो जाएगी। और इतना करने से क्या होगा कि जैसे ही बॉर्डर कोलिजन होगा तो सारे नए सेगमेंट्स जो कि बने थे वो विंडो के बाहर चले जाएंगे और हमें एक फ्रेश गेम फिर से खेलने मिलेगा। तो अब यदि मैं इसे खेलूं और खेलते खेलते बॉर्डर से टकरा जाऊं तो आप देखेंगे कि सारे सेगमेंट्स 500,500 मतलब कि वॉल्स से बाहर चले जाएंगे और उसके बाद फ्रेश गेम फिर से स्टार्ट हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली ये जो ऑब्जेक्ट 500,500 पर जा रहा है तो वो ट्रांजिशन दिख रहा है गंदा सा, उसे आप हटा सकते हैं हाई टर्टल यूज़ करके, और बेसिकली आपको जितने भी गंदे ट्रांजिशंस दिखें आप उसे हटा सकते हैं हाई टर्टल यूज़ करके। मैंने यहाँ इसलिए नहीं हटाया क्योंकि मैं आपको क्लियरली दिखाना चाहता था कि यहाँ हो क्या रहा है, और मैं यहाँ आपको सब कुछ दिखाना चाहता था, मैं चाहता था कि आपको सब कुछ अपनी आंखों से क्लियरली दिखाई दे, इसलिए मैंने इस सब ट्रांजिशंस को हटाया नहीं। और आप चाहें तो इसे ऑब्वियसली हटा सकते हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम इसकी बॉडी कोलिजन के बारे में देखेंगे और चीट कोड्स के बारे में देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।